तो भाई आज आ गए हैं हमारे फार्म पर डे ओल्ड ब्रॉयलर चिक्स। तो इन रुई के गोलों को सबसे पहले तो मैंने ब्रूडर में शिफ्ट किया और फिर उसके बाद इनको फीड डालकर मैं आ गया अपने दूसरे चूजों के पास। और इनकी एज हो गई है आज तकरीबन 10 डेज और आज ही मैंने इनकी वैक्सीन करनी है, जिसके लिए मैंने इनको तकरीबन 2 घंटों से प्यासा रखा हुआ है। तो जल्दी से मैंने वैक्सीन का पानी बना लिया और इस पानी के अंदर वैक्सीन के साथ साथ मैंने एक ब्लू स्टेबलाइजर भी डाला है, जिसका फायदा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चूजों को पानी डालने के बाद यही पानी मैंने अपनी अंडों वाली मुर्गियों को भी डाल दिया ताकि इनकी भी वैक्सीन हो जाए। और आज हमारी मुर्गियों ने दिए हैं तकरीबन 9x। खैर, चूजों की प्यास को और बढ़ाने के लिए मैंने इन सबको फीड डालना भी शुरू कर दी और ये 1500 चूजे एक दिन में खा लेते हैं तकरीबन 25 kg फीड। वैक्सीन के बाद इन सब चूजों की चोंच ब्लू हो गई और ये सब हुआ है ब्लू स्टेबलाइजर की वजह से, जिसका सबसे बड़ा फायदा मुझे ये होगा कि मुझे अंदाजा हो जाएगा कि इन सारे